नमस्कार दोस्तों, कैफे ऑरेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे भेज बिरयानी, तो आइए देख लेते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। तो ये दो प्याज है, इसको हम पतला पतला धो के काट लिए हैं। एक आलू है, इसको भी हम छील के काट लिए हैं। एक गाजर, इसको भी हम बारीक काट लिए हैं। एक कप हरा मटर, एक कप बारीक धनिया, एक टुकड़ा फूल गोभी का, थोड़ी सी बीन्स, दो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार, थोड़ी सी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है, और दो सूखी लाल मिर्च और जीरा। आपके पास और सब्जी डालना चाहते हैं तो और सब्जी डाल सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और ये एक कप और आधा कप बासमती चावल है, ये छोटा वाला बासमती चावल है, इसका बहुत ही अच्छा बनता है। इसको हम धो करके भिंगा लिए हैं। तो गैस पर हम एक कढ़ाई रखे हैं, उसमें हम थोड़ा सा बटर डाले हैं, बटर को गर्म होने देते हैं। फिर इसमें हम ये दो सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी जीरा डाल देंगे। ये गरम मसाला और ये तेज पत्ता, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। जीरा चटक गया, अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई होने देते हैं। प्याज फ्राई हो गया है, अब हम इसमें ये टमाटर डाल देते हैं। अब हम इसको ग्राइंड नहीं किए हैं, इसी में ही पकेगा। और ये नमक डाल देते हैं, नमक डालने से जल्द पकेगा। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। उसमें हम टमाटर को गलने तक पकाते हैं। तो टमाटर गल गया है इसमें, अब इसमें हम आलू डाल देते हैं, गाजर, बीन्स, सारी सब्जियां डाल देते हैं, गोभी, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर मटर डाल देंगे। अब हम इसमें मटर डाल देते हैं, ये अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर,
धनिया पाउडर और ये गरम मसाला। इसको हम गैस धीमा कर देंगे और ढक के सब्जी को पकाएंगे। सब्जी पकेगा तभी बढ़िया बनेगा। आप चाहो तो इसमें पानी भी डाल सकते हो। हम अभी इसी तरह ढक देते हैं, गैस को कम कर देते हैं, तब तक हम उधर चावल देख लेते हैं। एक बर्तन चढ़ाए हैं, उसमें हम घी डाल देते हैं, बटर, इसमें हम तेज पत्ता डाल देते हैं, थोड़ी सी जीरा डालती हूँ, अब उसमें हम ये पानी डाल देते हैं। का कलर लाने के लिए इसमें हम हल्का सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, इससे कलर अच्छा आएगा। बहुत लोग उसमें कलर डाल देते हैं लेकिन हम हल्दी डालें। अब पानी जैसे ही उबल जाएगा हम इसमें चावल को डाल देंगे। पानी को भी ढक देते हैं। पानी में उबाल आ गया है, अब हम ये चावल डाल देते हैं। चावल को हम गैस धीमा करके ढक के छोड़ देते हैं, चावल पकेगा। सब्जी हम देखते हैं, सब्जी भी मेरा पक रहा है। सब्जी थोड़ा और पकेगा, इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं और इसको ढक के पकने देते हैं। चावल भी उधर पक रहा है, इधर सब्जी भी पक रहा है, इसको पकने देते हैं। ये देखिए सब्जी भी बन गया है, चावल भी बन गया, सब्जी भी बन गया है। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं। अब हम एक बर्तन लिए हैं, मेरा चावल बन गया है। ये देखिए चावल खूब बढ़िया बना है। इसको हम धीरे धीरे निकालते हैं, ज़्यादा इसमें हम नहीं तो चावल मेरा टूट जाएगा। एक लेयर हम चावल का दिए हैं, इस पर हम सब्जी डाल देते हैं। अब फिर इस पर हम चावल डालेंगे। इस तरीके से चावल हम पूरे फैला दिए हैं। इस पर फिर हम सब्जी का डालेंगे।
फिर इस पर हम चावल डालेंगे। इस तरीके से और इसको हम अब गैस पर चढ़ा देते हैं। गैस पर रख दिए हैं, कम से कम इसको हम 2-3 मिनट ढक के पका लेते हैं ताकि अच्छे से चावल और सब्जी का टेस्ट आ जाए। ये देखिए बन गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकालते हैं। देखिए ये देखिए इस पर हम ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना है, बिल्कुल वही स्वाद। आप एक बार अपने घर में ज़रूर बना के देखिए, वही स्वाद आएगा। तो ये बन के मेरा वेज बिरयानी तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।